पेरेंट्स इज वन पार्ट दिन द स्कूल जी सो so, आप भी uh, सहमत होंगे जैसे साथ स्कूल और कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है टू डेवलप दैट इंटरेस्ट एंड टू डेवलप दैट कल्चर बिकॉज वेन यू आर इन कॉलेज एंड स्कूल सराउंडड बाई यू यूर ओन फ्रेंड्स एंड एवरीबडी तो वहाँ कल्चर ऐसा बनना चाहिए जी बिल्कुल आई थिंक स्कूल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और जैसा कि uh, मैंने बोला पहले कि बच्चा कोई भी स्कूल में ज्यादा जितना इन्फ्लुएंस वो स्कूल में होता है उतना इन्फ्लुएंस वो वापस घर जाकर नहीं होता क्योंकि mm. स्कूल में आप दूसरे बच्चों को भी देखते हो और फिर आप उनसे कम्पीट करने की mm. कोशिश करते हो वहाँ से आपका इंटरेस्ट आता है कि आप कोई भी चीज़ में जब आप कम्पीट करने की ट्राई करते हो कि मुझे मुझे भी ये चीज़ करनी है तो वो इंटरेस्ट हमारा वहाँ से बढ़ता है हमारा mm. वहाँ से इंटरेस्ट ग्रेट सो विल एंड अप विद अ लाइटर कॉन्वर्जेशन आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और uh, लोग बोलते हैं ये दोनों भाई हैं हाँ। मुझे बहुत सारे <laughs> मैसेजेस आते हैं ये आपके शुभमन छोटा भाई है बोलता हाँ <laughs> जो मेरी सबसे एक्चुअली uh, पहली मेमोरी है मुझे याद है बिकॉज हम ट्रैवल काफ़ी करते थे जब जब भी हम गाँव जाते थे यहाँ से तो छः सात घंटे की हमारी जर्नी होती थी और uh,

जब ये परफॉर्म करता तो हम परफॉर्म करते हैं। <laughs> ऐसे ही रहता है कि कितनी बार ऐसे वो आईपीएल में जब ये आउट हो गया तो हमने कहा ये अपन करो चलेंगे तो और कोई और काम पे लगे <laughs> नहीं हाँ जरूर जब भी मैच शुरू होना आता है तो हम पहली ये चीज होती है कि आप देखें अच्छा ठीक है शुभमन खेल रहा है पहली चीज ये दूसरी चीज ये होती है कि अच्छा ठीक है आज 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 बना के जाना तो मतलब वो एक स्पेशल आपका कनेक्शन बन जाता है जब आप किसी को पर्सनली जानते होते हो और आप उसको देखते हो ऐसी गेम में मतलब जो गेम यहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि सिर्फ ढाई सौ लोग अभी तक इंडियन क्रिकेट के हाँ। इंडियन टीम के लिए खेले हैं तो मतलब अगर उन डाई सौ में, में शुभन गिल का नाम है तो मतलब बड़ी बात है और वो हमारे साथ बैठे हैं हमें पर्सनली जानते हैं इससे अच्छा सकता